हेलो गाइस, कैसे हो? हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। सो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है गाड़ी पर तिरंगा लगाने पर हो सकती है जेल या जुर्माना। क्या आप देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट राज्य मंत्री है, लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा के स्पीकर है, गवर्नर है, चीफ गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधान परिषद के अध्यक्ष है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, या इंडिया में किसी के भी एम्बेसडर नहीं है? अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो अपनी गाड़ी पर 26 जनवरी या 15 अगस्त, इनफैक्ट कभी भी झंडा नहीं लहराइएगा, क्योंकि आपको ये अलाउ नहीं है। और अगर कानूनन किसी ने आपको पकड़ लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है, वो भी 3 साल की, और जुर्माना भी लग सकता है। शायद आपको पता ना हो कि 2002 में इंडियन फ्लैग कोड के तहत यह नियम बनाया गया और गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई और नेशनल फ्लैग को फहराने संबंधी भारतीय झंडा संहिता 2002 बनाई गई। इसमें झंडा रोहण को लेकर कई नियम बताए गए और बताया गया है कि किस तरह हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए, और झंडे संहिता में कुछ ही लोगों को झंडा फहराने के विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। इनके अलावा बाकी जितने लोग हैं उनको फ्लैग लगाना बैन है। इनिशियली घर में लगाना बैन था, बट 2004 के बाद घर में लगाना अलाउ कर दिया गया, हालांकि वो भी दिन में था। 2009 में रात को भी अलाउ हो गया, वो भी शर्तों के साथ कि अगर लाइट अच्छी पड़ी झंडे पर तो आप लगा सकते हैं। 2004 से पहले तो घरों पर भी तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं थी। पहले घरों पर भी तिरंगा नहीं फहराया जाता था, केवल सरकारी ऑफिस विभाग या शिक्षण संस्थान पर ही तिरंगे को फहराया जा सकता था। इसके खिलाफ नवीन जिंदल कोर्ट मामले में हर भारतीय को झंडा फहराने की इजाज़त दी गई। हालांकि नागरिक अब भी अपने वाहन पर तिरंगा लगाकर नहीं घूम सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन, नाव व वायुयान के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगा फहराना बैन है। मुझे लगा 26 जनवरी का मौका है, देशभक्ति से आप लवरेज है, कहीं गलती न कर ले। हालांकि ये अलग विषय है कि कानून का पालन कितना होता है, लेकिन रूल यही कहता है कि झंडा हमारे लिए अलाउ नहीं है, और अगर पकड़े गए तो लेने के देने हो सकते हैं। बाकी हैप्पी रिपब्लिक डे। सो फ्रेंड्स, झंडे से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।